हमने कल स्टडी किया, राइट। नेम बॉक्स के बाद अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार को पढ़ने के लिए भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग एक बार कंट्रोल एन करके नया वर्कबुक ओपन करिए, राइट। एंड वी विल सी दैट हाउ वी मेक एंट्रीज हियर। एक नया वर्कबुक खोल लिया तो A2 सेल में आप यहां पर लिख लीजिए प्रोडक्ट वन, और जब आप ये प्रोडक्ट वन टाइप कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला बार जिसको ये FX करके लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन, उसके सामने ही हमारा ये फॉर्मूला बार है, और जो भी आप टाइप कर रहे हैं ना वहां प्रोडक्ट वन करके दिख रहा है। कैन यू सी? यस सर, अच्छा, यस सर, ये B1 सेल में मैं यहाँ पे डे वन लिख दूंगा, डे वन, राइट। अभी देखिए फॉर्मूला बार में वही दिख रहा है। अब मैं इसको पकड़ के ना आगे तक खींचूंगा ताकि 5 डेज हो जाए, और प्रोडक्ट को होल्ड करके कॉर्नर में फिल हैंडल से नीचे खींचूंगा 10 तक 11 तक, ताकि 10 प्रोडक्ट हो जाए। तो मुझे 10 प्रोडक्ट के 10 5 दिनों की सेल्स, या फिर उसके अगर स्टॉक बोलूँ तो उनके प्राइसेस जो भी है, मैं यहाँ पर नंबर्स डालना चाहता हूँ। तो ये मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाया, जो भी मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला बार, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ नंबर्स जनरेट करूंगा। अब नंबर्स जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, देर आर नंबर ऑफ वेज टू डू इट। उसमें से आप लोगों में क्या ये टूल आ रहा है एक बार मुझे बताइएगा, इक्वल टू सीक्वेंस, सीक्वेंस करके आपके में फॉर्मूला आ रहा है क्या? आर यू गाइस हाँ, गेटिंग? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। तो देखिए सीक्वेंस में क्या कहता है कि कितने रो में आपको चाहिए। तो रो हमारे पास है 10, मैं बोल दूंगा मेरे को 10 रो में डेटा चाहिए, कॉमा, कितने कॉलम में चाहिए, मुझे 5 में चाहिए, मैंने लिखा 5। वो कह रहा है स्टार्ट नंबर बता दीजिए और स्टेप वैल्यू बता दीजिए, तो मैंने इसको कॉमा करके बोला 500 से स्टार्ट करो और स्टेप कर लो 6 नंबर 6 से, और ये क्लोज किया मैंने और एंटर कर दिया। तो ये देखिए इसने नंबर्स यहाँ पे जनरेट कर दिए। ये कर रहे हैं आप लोग? सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों से ना एक और शॉर्ट वीडियोस में शेयर करता हूँ, रोज 2 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो, वो भी बताऊंगा। कल मैंने सीक्वेंस का फॉर्मूला उसमें शेयर किया था। ये देखिए सीक्वेंस को टैब किया मैंने, सीक्वेंस को टैब किया और यहाँ पे देखिए रो है, मतलब वो पूछ रहा है कि कितने रो में आपको आउटपुट चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे 10 रो में चाहिए, मैंने 10 लिख दिया, कॉमा किया, वो मेरे से पूछ रहा है कितने कॉलम्स में आउटपुट चाहिए, राइट। तो कॉलम्स में मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 कॉलम्स, राइट। उसके बाद कह रहा है कौन से नंबर से स्टार्ट करना है वो बता दो, तो मैंने इसको बोला 500 से स्टार्ट कर लो, कॉमा। फिर ये बोल रहा है स्टेप, मतलब कितना ऐड करते जाऊं मैं हर बार, तो मैंने 6 दे दिया कि 6 ऐड करो हर बार, और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करूंगा ये पूरे एरिया में नंबर जनरेट कर देगा, 500 500 6, राइट। इसी को मैं यहां से भी कर सकता हूँ। FX जो लिखा है ना, दिस इज इंसर्ट फंक्शन, मैं इस जगह जाके भी वो काम कर सकता हूँ। कर्सर यहाँ पर रख के मैंने अगर FX को क्लिक किया तो ये देखिए बॉक्स खुल जाता है, और ये बॉक्स खुलने के बाद ऊपर मैं अगर सीक्वेंस टाइप कर दूं, सीक्वेंस टाइप कर दूं और ओके कर दूं, गो कर दूं, तो ये सीक्वेंस का फॉर्मूला ढूंढ लाया। और अब मैं इसको जब ओके करूंगा तो ये देखिए फंक्शन बॉक्स खोल देता है। शुरू में जब आप कोई फंक्शन सीख रहे हैं तो ये फंक्शन बॉक्स बहुत अच्छा है फॉर्मूले सीखने के लिए। यहाँ पे उसने लिखा कितने रो चाहिए, मैंने बोला मेरे को 10 रो में चाहिए। उसने बोला कितने कॉलम चाहिए, मैंने कहा 5 कॉलम में चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। स्टार्ट नंबर कहाँ से लेना है, तो मैं इस बार 5,000 दे देता हूँ। कितना स्टेप वैल्यू है, मैं यहाँ पे 65 लिख देता हूँ। तो ये देखिए नीचे वो आउटपुट भी दिखा रहा है, 5,000, 5,065, 5,130, ओके करूंगा ये पूरा डेटा स्पिल हो जाएगा, राइट। इसकी ब्यूटी ये है कि आपको सिर्फ रो कॉलम बढ़ा देना है। मैंने अगर यहाँ पे 1,000 लिख दिया ना तो ये 1,000 रोज में और 1,000 कॉलम में ये वैल्यू भर देगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया, ओके किया, ये पूरे में डेटा बना देगा। ये देखिए पूरा डेटा बन गया एक स्टेप में, राइट। आर यू एबल टू सी दिस गाइस? देख पा रहे हो आप लोग? यस ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर जनरेट कर लिए।
अब इस नंबर के नीचे मुझे यहां पर 10 के नीचे कुछ चीजें लिख लीजिए, लाइक टाइप सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, राइट, ये लिख लीजिए पांच चीजें। लिख पाए आप लोग? हेलो। यस ओके, नाउ नाउ वी हैव टू फाइंड द सम हियर। अब इनका सम निकालना है, तो देखिएगा जरा हम कैसे कर रहे हैं। इक्वल टू सम, ये फॉर्मूला अप्लाई करने का हम तरीका सीख रहे हैं। इक्वल टू, इफ यू टाइप एस यू एम, एक्सेल स्टार्ट सजेस्टिंग। मैंने एस यू दिया तभी वो सजेस्ट करने लगा, और ये ब्लू कलर में जो आ रहा है दैट इज द वन विच इज सेलेक्टेड राइट नाउ। मैं उसको नीचे करूंगा तो नाउ सब टोटल सेलेक्टेड हो गया, नीचे करूंगा सम सेलेक्टेड हो गया, उसके बाद मैं टैब का की दबा दूंगा, जो फॉर्मूला मुझे चाहिए वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं अप एरो से ऊपर आऊंगा, शिफ्ट करके आई कैन जस्ट गो अप जहां तक मेरे को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट एंड एरो, एंटर करूंगा और ये मेरा सम का फॉर्मूला लग गया। इफ यू कैन सी हियर, कैन यू सी गाइस, इसको मुझे साइड में कॉपी करने के लिए शिफ्ट करके साइड में जाऊंगा, कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, और ये देखिए कंट्रोल आर से मेरा फॉर्मूला कॉपी होके लास्ट तक चला गया। द शॉर्टकट इज कंट्रोल आर। यहां तक फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग? यस ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट बिग सो दैट आप, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं उनको अगर आपको जरूरत लगता है तो आप प्लीज उनको लिख लीजिएगा। सो कंट्रोल आर जो है, ये शॉर्टकट मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे कंट्रोल आर। सिमिलरली आई हैव टू फाइंड एवरेज, आई विल टाइप हियर इक्वल टू एवरेज, एवरेज सेलेक्ट करूंगा, टैब करूंगा, ऊपर जाऊंगा, शिफ्ट करके ऊपर जाऊंगा एंड आई जस्ट एंटर, और ये मेरा एवरेज कैलकुलेट हो गया। शिफ्ट करके साइड में जाऊंगा, कंट्रोल आर करूंगा, ये एवरेजेस निकल गए। सिमिलरली मैक्स निकालना है, इक्वल टू मैक्स, टैब, ऊपर जाऊंगा, शिफ्ट करके ऊपर की तरफ जाऊंगा, एंटर करूंगा, और ये मेरा शिफ्ट करके मैक्स हो गया, कंट्रोल आर। सिमिलरली आई कैन डू मिन, इक्वल टू मिन, टैब, अप एरो से ऊपर गया, शिफ्ट करके ऊपर जाऊंगा, एंटर करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट से साइड में सेलेक्शन करूंगा और कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा, ये सारे मेन निकल गए। काउंट निकालना है, इक्वल टू काउंट, टैब, ऊपर गया, शिफ्ट करके ऊपर की तरफ सेलेक्ट किया, एंटर किया, कंट्रोल आर। सो गाइस आई वांट यू ऑल टू, ये सारे कैलकुलेशंस आप जरा फटाफट करके राइट इन द चैट बॉक्स यस इफ यू हैव डन, आपने कर लिया तो यस लिखिएगा। सोनी ने कर लिया, वेरी गुड। उमा आपका म्यूट करिएगा, आपके ना इंस्ट्रूमेंट से एक साउंड है। हाँ थैंक यू, वो कंटिन्यूअस आ रहा था, सिर्फ सोनी ने किया, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन लैपटॉप और ए कंप्यूटर, कैन यू राइट यस? कितने लोग हो? जस्ट जस्ट राइट यस, आई विल सी। सोनी है और इसीलिए सोनी करती। अभी मेरे को गेस करना पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अभी आप देखिए नंबर्स, अभी आपने बताया कि जैसे नंबर्स लिखे हैं, बाकी चीजें नई बनाई हैं। सो अभी देखूंगा स्क्रीन तो मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरे को सम का फॉर्मूला लगाना है, एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने कर्सर रख लिया जहां भी आपने नंबर्स लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए ऑटो सम में जाना है आपको, राइट? ऑटो सम को मैं क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली सम ले लेता है, सिर्फ एंटर कर दूंगा, ये सम बन गया यहाँ पे। ये दूसरा तरीका है, राइट? अभी कंट्रोल आर करूंगा, ये सारे सम बन गए यहाँ पे। उसके बाद एक और तरीका क्या है सम के लिए, ये है ऑल्ट इक्वल टू। ये नंबर्स लिखे हैं मेरे, मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करके इक्वल टू का साइन कर दूंगा तो भी देखिए सम हो जाता है, ये सम हो गया। शिफ्ट करके साइड में जाऊंगा, कंट्रोल आर करूंगा, ये हो गया। ये दूसरा शॉर्टकट जो मैंने बताया, ये है ऑल्ट इक्वल टू।
राइट ऑल्ट इक्वल टू आप किसी भी नंबर्स के बाजू में करेंगे। मैंने यहाँ पे देखिए जी जी टू में भी कर्सर रख के ऑल्ट इक्वल टू करूंगा तो ये देखिए इसने सबको सेलेक्ट कर लिया, खुद एंटर कर दूंगा सम हो गया। राइट यहां पर भी मैं इसका सम जनरेट कर रहा हूं, ये नंबर लिखा मैंने ऑल्ट इक्वल टू किया ये सम हो गया। शिफ्ट करके मैं नीचे आऊंगा जहां तक मुझे टोटल करना है और मैं यहां पे प्रेस कर दूंगा कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से डाउन की तरफ फॉर्मूले कॉपी हो जाते हैं। ये मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरा शॉर्टकट कंट्रोल डी। यहां तक कर पाए गाइस तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके प्रियंका, सोनी, जंकाना, प्राची, चार लोग, पंकज जी पांच लोग, पांच लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद देयर सिस्टम्स। पूजा पटेल ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। सो गाइज ये देखिए कंट्रोल आर ऑल्ट इक्वल टू कंट्रोल डी, ये हमने तीन सीखा, फॉर्मूला लगाना सीखा। फॉर्मूले से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। आपको कई बार एक्सेल की शीट मिलती है और आपको ये पता नहीं चलता है कहीं से आई है कि फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। अगर आपको ये देखना है तो दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल टिल्ड, एक अलग शॉर्टकट मैं लिखता हूँ कंट्रोल टिल्ड। राइट मैं भी कंट्रोल टिल्ड प्रेस करूंगा कंट्रोल टिल्ड और ये देखिए सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिखने शुरू हो गए। जहां जहां फॉर्मूले हैं वो दिख रहे हैं। नंबर्स क्यों गायब हो गए? क्योंकि इन सब जगह में बी टू सेल का जो फॉर्मूला है उसी का आउटपुट है, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। जैसे मैं कंट्रोल टिल्ड फिर से करूंगा मुझे ये वैल्यूज दिखने लगेगी। राइट टिल्ड का जो बटन है ना, टिल्ड का जो बटन है ये कहाँ पर होता है? ये एस्केप के जस्ट नीचे होता है। ये देखिए एक स्लैंटिंग एरो करके ये दिखेगा आपको, ये मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ये है। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखिए कंट्रोल टिल्ड, राइट टिल्ड जो है एस्केप के जस्ट नीचे है। सो जब भी आपको किसी शीट में फॉर्मूलेज फाइंड आउट करने हैं कंट्रोल टिल्ड का बटन प्रेस कर दीजिए, ये फॉर्मूले दिखने लगे। कंट्रोल टिल्ड प्रेस करिए, फॉर्मूला दिखना बंद हो गया। ओके ये आप यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाके भी, फॉर्मूलाज टैब में जाके भी शो फॉर्मूला अगर कर देंगे तो उससे भी आपको फॉर्मूले दिखने लगेंगे। शो फॉर्मूले को फिर से क्लिक करेंगे फॉर्मूले दिखना बंद हो जाएंगे। कुड यू सी दिस गाइस, देख पाए आप लोग? यस सर। ओके फॉर्मूलेज के अंदर आपको एक चीज और बता दूं कि फॉर्मूलेज डिफरेंट वर्कशीट और डिफरेंट वर्कबुक में भी लग जाते हैं। जैसे मैं इसी चीज को अगर मैं कॉपी कर लूं यहां से, ये जो नंबर्स मैंने जनरेट किए थे कंट्रोल सी किया मैंने और शीट नंबर टू में जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सीक्वेंस में जाके मैं 5000 की जगह इसकी स्टार्टिंग दे देता हूँ 3000 से, एंटर कर दिए, नंबर्स बदल गए। राइट तो ये देखिए मेरे पास शीट टू में अलग नंबर है, शीट वन में अलग नंबर है। इन इन दोनों शीट्स का टोटल मुझे ये टोटल वाली शीट में करना है। शीट थ्री मैंने बनाई और यहाँ पे मुझे टोटल करना है। राइट ये दोनों टेबल्स का टोटल करना है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये शीट वन में जाके मैं इसका फॉर्मेट यहाँ से उठा लेता हूँ। लेट मी टेक द फॉर्मेट फ्रॉम हियर कंट्रोल सी, टोटल में गया मैं, यहाँ पे पुट किया मैंने कंट्रोल वी, एंटर किया। अब ये नंबर्स मैं डिलीट करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को बनाने हैं टोटल। सो मैं यहाँ पर आके एक फॉर्मूला लिखूंगा इक्वल टू, शीट वन पे जाऊंगा और ये 5000 को सेलेक्ट करूंगा, प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर मैं शीट टू पे जाऊंगा और ये 3000 को सेलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा। ये देखिए टोटल वाली शीट में मेरा 8000 आ गया, 5000 और 3000 का टोटल। अब मैं इसको शिफ्ट करके साइड में ले जाऊंगा कंट्रोल आर कर दूंगा, शिफ्ट करके नीचे लाऊंगा कंट्रोल डी कर दूंगा और ये मेरा सारा टोटल दो शीट्स का बन गया। शीट नंबर थ्री के अंदर या टोटल वाली शीट में शीट वन और शीट टू के जितने भी नंबर्स हैं उसका टोटल यहां पर बन गया। आप लोग देख पाए गाइस, फॉलो कर पाए इसको? जिनको समझ में आया है कर पाए हैं प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ श्योर। देखिए शीट वन आपकी तैयार है, शीट वन है पंकज जी आपके पास? जी सर। शीट टू में मैंने उसको सिर्फ इसके नंबर वाले पार्ट को कॉपी किया है, यहां से यहां तक मैंने इसको कंट्रोल सी किया,
और शीट टू पे जाके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। पेस्ट करने के बाद मैंने सीक्वेंस वाले फॉर्मूले के अंदर ही 5000 की जगह 3000 कर दिया ताकि नंबर नए हो जाए। बस ये सारे नंबर नए जनरेट हो गए, एक जगह फॉर्मूला चेंज किया पूरे नंबर नए हो गए, राइट। मेरे को टोटल वाली शीट में इनका सम चाहिए, तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट तो उधर से कॉपी कर दिया, डे वन डे टू डे फाइव प्रोडक्ट वन। अब मैं यहां पर लगाऊंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने इक्वल टू का साइन लिया, नीचे मैं शीट वन को क्लिक किया, ये देखिए मेरा कर्सर शीट वन को क्लिक किया और जाके मैंने ये वाला 5000 का सेल सेलेक्ट कर लिया जहां पे मेरा पहला नंबर है। मैंने शिफ्ट करके इसको प्लस किया, प्लस का साइन आया, उसके बाद मैं शीट टू पे गया और वहीं से मैंने ये वाला नंबर भी उठा लिया, इसको मैंने कर दिया एंटर। तो ये जो मेरी थर्ड शीट है, अभी आपको लग रहा है मैं शीट टू में बैठा हूं, नहीं बैठा हूं, मैं शीट थ्री टोटल वाली शीट में ही हूं। जैसे एंटर करूंगा आप देखो मैं शीट थ्री में, जो टोटल वाली शीट थी यहां पर आ गया। अब इसको भरने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे करके चला जाऊं और मैं डबल टैप कर दूं तो भी ये हो जाता है, और या फिर अपनी शॉर्टकट और कीबोर्ड से भी कर सकता हूं, माउस से भी कर सकता हूं। देख पाए पंकज जी क्या? जी सर, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा गाइस, बिना प्रैक्टिस के देखिए एक्सेल में बात बनने वाले नहीं है। मैं बार बार जब एक्सेल सिखाता हूँ मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के अगर आपने किताबें पढ़ ली, स्विमिंग के वीडियो देख लिए, अपने दोस्तों को स्विम करता देख लिया, उससे स्विमिंग नहीं आएगी, आपको स्विमिंग पूल के अंदर घुसना पड़ता है। सेम इज विथ एक्सेल, एक्सेल सीखना है तो मतलब हाथ तो चलाना पड़ेगा आपको, गलतियां होंगी और उन्हीं गलतियों से आप सीखोगे। स्विमिंग पूल में तो डूबने की तरह की फीलिंग आती है, यहाँ तो वैसी खतरनाक नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ आपको गलतियां होंगी आपसे। सो गाइज वी आर डन विद द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर मैंने कंट्रोल टिल्ड बताया जिससे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, फॉर्मूला मल्टीपल शीट्स में लगा सकते हैं, इवन आप मल्टीपल वर्कबुक में भी एक्सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। मैंने कंट्रोल एन कर दिया और मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये नई वर्कबुक खुल गई, राइट। अगर मैं इसको दिखाऊं तो पीछे दूसरी वर्कबुक है, ये आगे दूसरी वर्कबुक है, राइट। इस वाली वर्कबुक में मेरे को उन तीनों शीट्स का टोटल करना है, राइट। मैं ऑल्ट इक्वल टू करके यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने फॉर्मेट को सिर्फ कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी, और नंबर्स में हटा देता हूँ, मुझे यहाँ पे सबका टोटल चाहिए तीनों शीट्स का। मैंने इक्वल टू किया, ऑल्ट टैब किया और मैं दूसरी शीट पे चला गया, पहले शीट वन का मैंने टोटल लिया, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज होती है, डॉलर्स खुद से लगाता है, तो ये डॉलर्स मेरे को नहीं चाहिए, ये डॉलर्स मैं हटा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर प्लस का साइन दूंगा, राइट। मैं शीट टू पे जाऊंगा, शीट टू पे ये वाला नंबर उठाऊंगा, इसमें भी मुझे डॉलर नहीं चाहिए, नहीं तो हर जगह एक ही रिजल्ट आएगा। इसको क्लिक किया, फिर से मैंने प्लस का साइन लगाया, शिफ्ट प्लस, शीट थ्री पे गया टोटल वाली पे, उसको भी ले लिया मैंने, राइट। वहां से भी मैंने डॉलर सिर्फ हटा देना है। तो ये क्या हुआ, तीनों शीट्स दूसरी वर्कबुक की लेके मैं एक नई वर्कबुक में आ गया। ये देखिए नया वर्कबुक है, एक नई वर्कबुक है, राइट। बगल में जो दूसरी वर्कबुक है उसमें शीट वन शीट टू शीट थ्री है, बट यहाँ मुझे इसका टोटल चाहिए। यहाँ पे लिख के अब मैंने यहाँ ड्रैग किया और यहाँ ड्रैग किया, ये सबका टोटल मेरा आ गया। बुक वन में शीट वन बी टू, बुक वन में शीट टू बी टू, बुक वन में टोटल बी टू, तीनों शीट्स का उसने टोटल यहाँ पर करके मेरे को दे दिया। एक्सेल इसमें आपको अलाउ करता है कि आप सेम शीट पे अलग अलग शीट्स पे अलग अलग वर्कबुक पे आप आराम से फॉर्मूलेज लगा सकते हो, राइट गाइज। ये आप लोग देख पाए समझ पाए हो? बहुत सन्नाटा है। प्राची कर रही है बैटिंग, प्रियंका ने भी की, ओके। प्रियंका मींस अवनी, ओके। एंड देन सोनी एंड पंकज जी भी कर रहे हो, जंकाना, ओके, वेरी गुड। सो 10 में से 6-7 लोग कर रहे हैं, बाकी कुछ सिस्टम्स पे नहीं है, बट सिस्टम्स पे रहिए और गाइज तभी आप पूरा यूटिलाइज कर पाओगे। 1 घंटा आप स्पेंड करने वाले हो, 20 घंटा 20 दिनों में स्पेंड करने वाले हो। सो अगर आप साथ रह के करते हो प्रैक्टिस तो मैक्सिमाइज करोगे आप इसको। चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरा टॉपिक जो है यहाँ से फॉर्मूला बार तक खत्म हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा वर्कशीट के बारे में, सेल रेंज कॉलम रो वर्कशीट वर्कबुक नेविगेशन ये सारी चीजें जरा दिखाता हूँ अगले 10 मिनट में। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया और एक खाली वर्कबुक ले ली। अब ये जो देखिए एक्सेल में जहाँ पे मेरा सेल रखा है और वो नाम नेम बॉक्स में A1 आ रहा है, इसको सेल कहते हैं, राइट। जैसे कि मकान का जो बेसिक यूनिट एक ब्रिक होता है, ईटा होता है,
राइट, जिसको जोड़ जोड़ के आप दीवारें बनाते हो, दीवार को जोड़ के आप रूम बनाते हो, रूम को जोड़ के आप मकान बनाते हो, घर बनाते हो, वैसे ही देखो यहाँ पे बेसिक यूनिट सेल है। ये सेल जब एक के ऊपर एक मैं रखता हूं ना, तो ये कॉलम बनता है। और ऐसे कितने सेल रखे जाएंगे, तो ऐसे 1 मिलियन, कल दिखाया था मैंने, कंट्रोल डाउन एरो किया, तो देखिए 1 मिलियन सेल्स हैं एक के ऊपर एक रखे हुए, और उससे बनता है ये कॉलम। कॉलम स्टैंडिंग लाइंस है, और इसको हम लोग ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से कॉलम रिप्रेजेंट होता है, राइट। और ये देखिए ऊपर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक एरो से, एंड आई कैन गिव एनी कलर टू इट। अब अगर मान लीजिए आप कुछ डेटा बना रहे हैं, बीच में आपको कॉलम्स इंसर्ट करना है, सो नाउ वी विल यूज अनदर शॉर्टकट विच इज ऑल्ट में हम बुक वन, यस आई विल पिक दिस फ्रॉम देयर, कंट्रोल सी ऑल्ट टैब एंड ऑल्ट ऑल्ट हियर कंट्रोल वी, यहाँ पे हम आए हैं, और इस जगह मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, राइट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक आपके पास शॉर्टकट है, और ये आर इसमें से हटा देता हूँ, ये क्या करेगा मैं भी आपको दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर दूँ जब तक। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये जो शॉर्टकट है आपका, ये कॉलम्स रोज और सेल्स इंसर्ट करने के काम आता है। अब ये कैसे काम आएगा, देखिए मैंने सी कॉलम को सेलेक्ट किया, मुझे कॉलम चाहिए, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाना शुरू किया, तो ये देखिए कॉलम्स इंसर्ट हो जाएंगे। कॉलम को मिटाना है, डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस प्रेस करना शुरू करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा, राइट। सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कंट्रोल माइनस आर द शॉर्टकट्स टू गेट एड कॉलम्स रोज एंड सेल्स, टू डिलीट कॉलम रोज एंड सेल्स, राइट। राइट गाइज, ये देख पाए आप लोग, कुड यू सी, सर रिपीट कर दीजिए प्लीज एक बार। ये देखिए ये यहाँ पे सेलेक्ट करके कलर दीजिए, यहाँ सेलेक्ट करके दूसरा कलर दीजिए, राइट, और यहाँ पे सेलेक्ट करके तीसरा कलर दे दीजिए, दिस इज इजी। ये कर पाए तो बताइए, जी कर लिया सर। राइट। अब ये सी वाले पे मैंने कर्सर रखा, और अब आप प्रेस करिए कंट्रोल और शिफ्ट लेफ्ट हैंड से, और ऊपर जाके एक प्लस का साइन होता है, साइड में जो प्लस होता है उसको मत दबाइएगा, ऊपर जो 1 2 3 4 होते हैं उसमें एक प्लस का साइन है, उसको क्लिक करिए, देखिए कॉलम इंसर्ट होने लगेगा। आ गया। और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस करिए, ये डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, कौन कौन कर पाए, हुआ सर हो रहा है, जी सर। सोनी कर पाए हैं, पूज्य पटेल कर पाए हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सफल भी कर पाए, प्राची भी कर पाए, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब गाइज हम लोग जाएंगे इस पे। सिमिलरली मैं रोज की बात अगर मैं करूं आपसे, मैं ये तीनों को डिलीट कर देता हूं, अब हम लोग रोज की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रो को सेलेक्ट करना है, रो क्या होती है, जब सेल्स को आप एक के पीछे एक रखोगे, एक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, किसी का अनम्यूट है, साउंड आ रही है। ये देखिए, ये एक के पीछे एक जब मैं सेल्स को रखता हूँ ट्रेन के डिब्बे की तरह, तो ये रो बनता है, और रो का नंबर 1 2 3 4 5 6 है। एक रो के अंदर कितने कॉलम है, तो 16,000 से ज्यादा कॉलम होते हैं एक रो में। अब यहां से साइड से जब मैं हिट करूंगा, तो मैं इसको कलर दे पाऊंगा, ये देखिए एक कलर, ये दूसरा कलर, ये सेकंड वाले सेल को लिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस थ्रू किया, ये देखिए कॉलम्स रो इंसर्ट होने स्टार्ट हो गए, कंट्रोल माइनस किया, ये रो हटने स्टार्ट हो गए। सेम चीज जैसे आपने उधर किया था, वैसे ही आप इस पे कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका सेल, रो और कॉलम, कंट्रोल माइनस कर दिया, ये चला गया। अब ये जो सेल रो और कॉलम है, ये जब सेल्स को कॉलम्स को और रोज को सब हम मिला देते हैं, तो ये एक वर्कशीट बन जाती है, जो नीचे उनका नाम है, शीट 1 शीट 2 शीट 3। ये सारी शीट्स को जब मैं जोड़ देता हूं या सबको मिला देते हैं हम लोग, तो बनती है वर्कबुक, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप फाइल का नाम जो होता है, ये वर्कबुक की आपका नाम है। तो जैसे आपके पास कॉपी खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, उस नोटबुक के अंदर शीट्स होती हैं, पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये शीट्स हैं। एक शीट इतना बड़ा है कि उसको अगर जमीन पे डालूं तो फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे शीट्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स एक वर्कबुक के अंदर बना सकते हो। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक्सेल की जो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी है कितनी ह्यूज है, कितना सारा डेटा वो हैंडल कर सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों को जरा कर्सर्स दिखा देता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर्स, राइट। वी विल कवर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्सर्स। अब यहां पर आते हैं,
जब मैं ऊपर मेन्यू बार में घूम रहा हूं तो मेरा एक एरो हेड बना हुआ है, दिस इज वन टाइप ऑफ कर्सर। नीचे लाऊंगा तो ये ब्लैक कलर का एरो जिसको अभी अभी आप लोगों ने यूज किया। मैं फिर से थोड़ा सा काम कर देता हूं, मैंने पीला किया, उसके बाद मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, राइट, ग्रीन करके ये जो सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देता हूँ, थोड़े से और ऐड हो जाएंगे येलो सेल्स। अब ये जो कर रहा हूं इसके बीच में, दोनों अल्फाबेट के बीच में जब लाऊंगा ना तो एक ये प्लस का साइन बनता है, ये कॉलम की विड्थ और थिकनेस को घटाने बढ़ाने के काम आता है। अगर आपने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है तो वो एक कॉलम को छोटा, बी कॉलम छोटा हो गया, ये बी कॉलम बड़ा हो गया, राइट। लेकिन अगर आप सबको सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि बहुत बार आपको दिक्कत आती है, बहुत सारा डेटा आया तो सारे कॉलम आप एक साथ चौड़े पतले नहीं कर पा रहे होते, तो ये देखिए आपने यहाँ पे कर ले लिया, शिफ्ट करके आप आखिरी तक चले जाइए, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप एक कॉलम को चौड़ा करेंगे ना ये सारे चौड़े हो जाएंगे, एक को पतला करेंगे ना वो सब पतले हो जाएंगे, क्योंकि आपने सबको सेलेक्ट किया है, एक कमांड से वो सारे कमांड पे अप्लाई हो रहा है, देख पा रहे हैं आप? ठीक राइट। अगर इसमें डेटा होता तो सिर्फ आप डबल टैप भी कर देते तो ये पतला मोटा हो जाता। सिमिलरली आप नीचे भी ये कर सकते हैं, आपने इतने रो सेलेक्ट किए, एक रो को आप चौड़ा करोगे सारे रो चौड़े हो जाएंगे, राइट। तो दिस कैन बी अप्लाइड एंड डन ऑन टुगेदर, और उसके लिए आपको ये वाला कर्सर आपकी हेल्प करता है। ओके, अब आपको मैं दिखाता हूं बाकी कर्सर्स, कंट्रोल जेड। एक देखिए कर्सर आता है ये मोटा प्लस साइन, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन कर्सर। इसको टैप कर दूंगा मैं और डबल टैप करके खींचना शुरू कर दूंगा, ये सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट करने के बाद आई कैन डिसाइड कि मेरे को उसको क्या करना है, ग्रीन करना है, रेड करना है, व्हाइट करना है, अक्षर डालने हैं, बॉर्डर लगाना है, लेकिन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जब सिलेक्शन कर लिया तो इसके वॉल पे ना एक ये चारों तरफ प्लस एरो वाला कर्सर भी आता है, इसको कट एंड पेस्ट कहते हैं। इसको ये कर्सर आया ये दीवालों पे ही आता है, ये और कहीं नहीं आएगा, बीच में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, ये वॉल पे ही आएगा, या तो नीचे वॉल पे आएगा, साइड में वॉल पे आएगा, राइट। और ये क्या अलाउ करता है, ये कट करके पेस्ट कर देता है। मैंने इसको यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, ये इधर चला गया, इसको मैंने इधर लगा दिया, तो जहां से भी आप उठा के कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं आपका डेटा, ये कट पेस्ट कर्सर की मदद से आप कर सकते हो, राइट। इसके बाद एक कर्सर और एक्सेल में आता है जिसको फिल हैंडल कहते हैं, नीचे आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे वन लिख दिया और इसको नीचे करके खींचूंगा तो सब जगह वन लिख देगा ये, राइट। मैं वन और टू लिख दूं और इन दोनों को सेलेक्ट करके खींचूंगा तो गिनती लिख देगा ये, राइट। सो दिस इज डिफरेंट थिंग्स अ कर्सर कैन डू। उसके बाद जैसे मैं जैन में आता हूँ, मैंने जैन लिखा और मैंने इसको खींचा तो ये जैन फेब मार्च अप्रैल आ गया, राइट। मैंने मंडे लिख दिया और मैंने मंडे करके इसको खींच दिया, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करके नीचे आ जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग? सो दिस इज ऑल अबाउट कर्सर्स गाइस। कर्सर्स की बात हम लोगों ने कर ली, फॉर्मूला बार हमने पढ़ लिया, राइट। अब थोड़ा सा नेविगेशन पे चलते हैं, नेविगेशन देख लेते हैं, जो अभी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी कुछ लोग कर पा रहे थे, बट नेविगेशन इज वेरी क्रिटिकल। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी टेबल है संडे से लेके, और ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, राइट। मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, यहाँ पे कर्सर रखा और सिंपली एरो से मैं मूव कर पाऊंगा, देखिए अप एरो डाउन एरो, ये मेरे को कर्सर्स में मूव करा रहा है, ये देखिए मूव करा रहा है। अब इसमें मैं अगर शिफ्ट का बटन दबा लेता हूं, शिफ्ट का बटन, तो ये मेरे को सिलेक्शन करने देगा। अब अगर आप यहां पे कंट्रोल का बटन दबा देते हैं तो कंट्रोल के बटन के साथ वो शिफ्ट नहीं करता, जंप करता है, ये देखिए जंप कर रहा है आखिरी डेटा पे। ये हम यूज करते हैं कभी डेटा का साइज वगैरह देखना हो, आखिरी सेल पे जाना हो, कंट्रोल और एरो। यहाँ पे देखिए मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि इस टेबल में कितने रो हैं, मैं कंट्रोल से नीचे जाऊंगा, कंट्रोल एरो से, ये नीचे गया, ये बता रहा है 10489 तक आया है, ऊपर गया फिर वापस आ गया, मैं कंट्रोल से नीचे, कंट्रोल से ऊपर, राइट। अब मैं कंट्रोल और शिफ्ट अगर दोनों दबा लूंगा तो क्या होगा, वो पूरा जंप भी करेगा सेलेक्ट भी करेगा, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, ये सिलेक्शन करेगा। अब आपको कुछ भी करना है आप एक बार में इस पे कर सकते हैं, जैसे इसका कलर आपको चेंज करना है, पूरी टेबल है, बहुत बड़ी टेबल है, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो,
राइट, कल कलर जाके यहाँ पर बदल दीजिए आप, ये हो गया राइट। कितनी भी बड़ी टेबल हो, कंट्रोल शिफ्ट साइड एरो डाउन एरो, आप इजीली इसको सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, यहां तक सही है हम लोग? आर वी गुड टिल हियर? तो प्लीज राइट सम यस इन द चैट बॉक्स, और कहीं अटके हैं तो पूछ लीजिए। ओनली प्रियंका सेज यस एंड सोनी सेज यस, बाकी लोग सो गए? यस सर। अच्छा उमा कह रही हैं यस, तब आपने बोला उमा जब मैंने बोला सो गए। नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्टकट्स। मेरे पास कितना टाइम है अभी? वी हैव गॉट 10 मिनट्स, सो आई कैन डू वन इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स टू यू। ये कुछ शॉर्टकट्स की लिस्ट बनाई हुई है मैंने, राइट। ये शॉर्टकट्स बड़े क्रिटिकल इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो आपको जरूर आने चाहिए, राइट। कुछ उसमें से मैं आपको दिखा चुका हूँ, कुछ मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो मैं बोलता हूँ कि एक्सेल अगर आप पे काम करते हो तो कंट्रोल टी, ये पहला शॉर्टकट है जो आपको जरूर आना चाहिए। ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, ये आपके काम को बहुत आसान करने की क्षमता रखता है, कंट्रोल टी, राइट। अब ये कैसे काम करता है, इसको एक मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ हाउ दिस कैन बी यूज। हम साइड में जाते हैं, विल गो टू द साइड, राइट। और यहां पर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस से कुछ कॉलम्स, सॉरी स्केप स्केप स्केप, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे मैं कुछ जगह बनाना चाहता हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ हम क्या कर रहे हैं, राइट। आपने अगर ये बगल में खूब सारे कॉलम्स बना लिए हैं तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। बना लिया गाइज आप लोगों ने, कॉलम इंसर्ट कर लिए हैं, पंकज जी ने कर दिया, सोने ने कर दिया, ओके। बाकी लोग कर रहे हैं या मैं बताऊं फिर से? रिपीट कर दीजिए। ओके, ये देखिए मैं सिंपली ये कह रहा हूं, ये वाली शीट पे आइए, शॉर्टकट्स वाली शीट पे आइए, इसमें एन कॉलम में कुछ डेटा है, उसके बगल में कुछ और टेबल वगैरह बनी है, तो उसके साइड में वी कॉलम पे ऐसे कर्सर रख दीजिए और कंट्रोल शिफ्ट प्लस को बहुत बार हिट कर दीजिए तो यहाँ पे ब्लैंक कॉलम्स आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस मैंने अभी अभी बताया था, वही शॉर्टकट है जिससे कि यहाँ पे ब्लैंक कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे ताकि हमें एक वर्किंग एरिया मिल जाएगा। ओके हो गया सर। ओके, अब देखिए मैं आपसे क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ये टेबल है जिसको आपको लगेगा ये टेबल है लेकिन इसको एक्सेल टेबल नहीं मानती। एक्सेल टेबल कैसे नहीं मानती वो मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा। आप इसमें से पहले 10 रोज का डेटा, सीरियल नंबर 10 तक, सीरियल नंबर 10 तक का डेटा सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करिए, एक कॉलम छोड़ के पेस्ट कर दीजिए, राइट। ये पेस्ट करने के बाद मुझे बताइए, फिर मैं आगे बताता हूं। ठीक है जी, कर पाए आप लोग? कॉपी पेस्ट करना है सिंपली। किधर हैं आप लोग, किधर हैं, कहाँ गायब हो गए? प्रियंका सेज, अवनी सेज यस, हु एल्स? आपको इस सिस्टम का नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो प्रियंका तो यहाँ पे हमेशा प्रियंका ही दिखेंगी। प्राची और प्रियंका दो लोगों ने किया, प्लीज गाइस दो तीन लोग और थे, कहाँ पे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? सर वो सिस्टम हैंग हो गया है, जस्ट अ मिनट। सोनी का सिस्टम हैंग हुआ, ओके ओके। बाकी लोग गाइस हैं हमारे पास 10 मिनट, हम लोग कर लेंगे बहुत अच्छे से, अगर आप कहीं फंस रहे हो तो बताओ। ओके सर, कर लिया कर लिया। अब देखिए ये जो नया डेटा आया है ना, नया टेबल जो आपने छोटू सी पेस्ट करी, सेट ऑफ डेटा पेस्ट किया, इसको इसमें कहीं पे भी कर्सर रख लीजिए और शॉर्टकट कंट्रोल टी दबा दीजिए, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी दबाने से ये क्रिएट टेबल बोल रहा है, इसको ओके कर दीजिए बस, और ये देखेंगे आप कि आपका जो ये डेटा था ये प्रॉपर एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो गया। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया? ऊपर देखिए एक्सेल ने अब उसको पहचान लिया है, उसने उसका नाम रख दिया टेबल 7। ऊपर टेबल डिजाइन करके एक मेन्यू बार में एक नया
टैब बना दिया उसने, अगर आप इसके बाहर क्लिक करोगे देखोगे वो सब गायब हो गया, टेबल डिजाइन भी गायब हो गया, टेबल का नाम गायब हो गया, पूरा का पूरा रिबन गायब हो गया। आप बड़ी वाली टेबल में रखोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जो छोटी टेबल है उसमें कर्सर रखोगे आप देखोगे टेबल डिजाइन आ गया, उसको क्लिक करोगे यहाँ से जाके आप अपने टेबल को बहुत सारे डिजाइन और फॉर्मेटिंग कर सकते हो। टेबल का एक नया नाम दे दिया एक्सेल ने, आप इसका नाम भी बदल सकते हो, यहाँ पे जाके आप डिलीट करके और आप इसका नाम न्यू टेबल कर दो, अगर न्यू टेबल या जो भी आपको नाम देना हो, मैंने एंटर किया उसका नाम पड़ गया न्यू टेबल, राइट। सो ये एक्सेल ने कर दिया। अब सिर्फ ये बनाया, इससे फायदा क्या है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस कुड यू गेट द टेबल फीचर हियर, टेबल फीचर मिल गया आप लोगों को? यस ओके। अब देखिए यहाँ पर अब आपको जो ये सिलेक्शन करेंगे ना तो ये बड़ा आसान हो गया। यहाँ पे मैं डेट पे जाता हूँ, एक छोटा एरो आएगा, मैं इसको हिट करूंगा, इतने ही सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। इसके बाद मैं होम टैब में जाऊंगा और इसको डेट में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर दूंगा, ये देखिए शॉर्ट डेट बन गया ये। ओके अब मैं यहाँ पर एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे टाइप करूंगा सम, एवरेज और मैक्स, तीन चीजें यहां पर टाइप कर लूंगा। और ये तीन चीजें टाइप करने के बाद मैं ये तीनों कैलकुलेशंस भी करूंगा, आई विल कैलकुलेट दिस ऑल्सो, राइट। कैसे कैलकुलेट करूंगा अब आपको पता है, इक्वल टू किया मैंने, एस यू एम टैब किया, और सेल्स का सम करना है तो सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, ये सेल्स का सम आ गया। एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज आ गया, यहाँ पर फिर से मैं सेल्स के कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, मेरा एवरेज निकल आया। यहाँ पे मैं मैक्स निकालूंगा, MAX टैप करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा मैक्स निकल गया। इतना आप लोग कर लें तो मुझे बताइएगा। कर लिया गाइज, यहां तक तो साथ हैं कि आप लोग मेरे, छूट गए पीछे आप लोग, कोई भी नहीं आया मेरे साथ, कहाँ है? ओके यस लिख दीजिए थोड़ा सा, मुझे पता चल जाएगा। सोनी ने लिख दिया है, पंकज ने बता दिया है, और लोग बता दीजिए जरा, प्राची ने बोल दिया, ठीक है। अब देखियो गाइज, ये जो मैंने सेलेक्ट किया बनाया, इसको यहाँ पे कर्सर रखूंगा और इसका एक चार्ट बना लूंगा, ऑल्ट फंक्शन F1 शॉर्टकट प्रेस करूंगा और एक ही चार्ट बन जाएगा, ये नेक्स्ट शॉर्टकट ऑल्ट फंक्शन F1, राइट। ये चार्ट बनने के बाद साइड में प्लस का साइन आता है, उससे मैं इसमें एक डेटा लेबल ऐड कर लूंगा ताकि इसके ऊपर नंबर आ जाए, और इसको छोटा करके अपनी इस टेबल के नीचे प्लेस कर दूंगा। इतना काम करके मुझे बताइए। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ, कौन सा पोर्शन? ये चार्ट वाला, यस सर। ये डिलीट किया, ये जो सेलेक्ट किया, ये जो सम एवरेज मैक्स बनाया, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ऑल्ट फिर फंक्शन और F1 की प्रेस कर दीजिए, ये बन जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है, किसी किसी के कंप्यूटर में फंक्शन दबाने की जरूरत नहीं है, ऑल्ट और F1 से ही बन जाएगा। किसी किसी के लैपटॉप में फंक्शन की के साथ F1 दबाना पड़ेगा, फंक्शन की कंट्रोल के बाजू में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। कोई बना पाया क्या? डन सर। ओके वेरी गुड, डन सर। ओके अब देखिएगा जरा कमाल, यहां पर मैंने इसके नंबर्स लगा लिए, डेटा लेबल्स लगा लिया, इसको छोटू कर लिया, छोटू करके मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। और ये सपोज करिए कि आप रोज ऑफिस आते हैं और आपको कुछ काम करना पड़ता है, ये मैंने छोटा सा एक काम लिया है कि आपको तीन ये नंबर्स निकालने पड़ते हैं सेल्स के डेटा से, और फिर एक चार्ट बनाना पड़ता है और चार्ट आपको सेंड करना पड़ता है, तो रोज आप इतने एक्टिविटी करते हो जो मैंने अभी किया। लेकिन अगर आपने टेबल को बना लिया, आप दूसरे दिन ऑफिस गए, आपके पास डेटा और आ गया है, आप 11 से लेके 20 तक का डेटा सेलेक्ट कर लो, 11 से 20 कंट्रोल सी करो,
कंट्रोल सी करो गाइस, और उसके बाद जरा मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखो। ये 10 के नीचे मैंने जो टेबल बनाई थी वहां रखूंगा, ये नंबर्स पढ़ लेना, 7138, 713, चार्ट देख लो, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल भी। और जैसे पेस्ट किया, देखिए उसने सम निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया, मैक्स निकाल दिया, चार्ट बदल दिया, सारा कुछ काम आपका हो गया सिर्फ कंट्रोल वी कंट्रोल सी करने से। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ 10 चार्ट बनाए होते, बड़ी टेबल में एनालिसिस की होती, सब कुछ अपने आप अपडेट कर देता एक्सेल सिर्फ कंट्रोल टी करने के कारण। तो एक बार रिपीट कर देंगे। ये देखिए मैं अब इसके आगे का काम कर देता हूं। मैं 21 वाले सेल पे गया, पुराने टेबल से मैं डेटा उठाया, यहां से मैंने 30 तक का सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, डेटा को लेके मैं यहां पर आया अपनी टेबल में, और अब इस टेबल जो नई बनाई थी उसके जस्ट नीचे कर्सर रखूंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। ये देखिए 12,000 है, जैसे कंट्रोल वी किया अब ये 16,833, ये सब कुछ एवरेज चेंज हो गया, मैक्स चेंज हो गया, सम चेंज हो गया, चार्ट चेंज हो गया, सब कुछ अपडेट हो गया। कोई कर पाया क्या? सोनी कर पाए हैं, सोनी इज प्लेइंग लाइक सहवाग। जंकाना ने भी कर लिया है, वो भी अच्छा साथ दे रही हैं। पंकज अरोड़ा जी ने भी कर लिया, वेरी गुड। तीन लोग कर पाए हैं, कम से कम तीन और चाहिए मुझे। अवनी नहीं हुआ, दीक्षा अवनी किधर अटक रहे हो? पूछो, आस्क मी। सर वो सम वाला फॉर्मूला लगाया है, वो देखना है एक बार पूरा डाटा को सिलेक्ट करके। सर प्राची ने कर लिया, चार लोग। हाँ जी दीक्षा, क्या बोल रहे हो आप, एक बार बोलो फिर से। वो पूरी टेबल का सम वाला फॉर्मूला एक बार देखना है कि पूरी टेबल को सिलेक्ट करके कैसे लगाया फॉर्मूला। ये देखिए सम का जो फॉर्मूला यहाँ लगा है, ये मैंने टेबल का नाम दिया न्यू टेबल सेल्स आ रहा है, मैं इसको डिलीट करके फिर से लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये डिलीट किया मैंने, सम पे गया, इक्वल टू लिखा, SUM टैब किया, राइट, और यहां पर आके सेल्स वाले कॉलम में जाके मैंने हिट कर दिया। ये देखिए ये एरो मेरा, ये देखिए ये यहां पर ए ए और सेल्स के बीच में रखा मैंने, हिट कर दिया, राइट, और उससे मेरा टोटल आ जाएगा, राइट। अभी ये दो बार ले लिया तो गड़बड़ कर देगा, इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ आपको बताते बताते। उसने 2 टाइम्स कर लिया, एंटर किया है, देखिए सेल्स आ गया। एवरेज सेम फॉर्मूला, इक्वल टू एवरेज टैब, और वहां पे जाके टिक, ये एवरेज आ गया। अब मैक्स चाहिए, इक्वल टू मैक्स टैब, सेम यहाँ पे जाके टिक और एंटर, ये मैक्स आ गया। ये मेरे पास सम एवरेज और मैक्स बन गया। सो गाइज ठीक है क्या हम लोग यहां तक? सोनी पकड़ पाए? बहुत सन्नाटा है क्लास में। यस सर। अभी अनम्यूट करके जरा बोलिए, आप लोगों ने कुछ सीखा समझा? हाँ हेलो, सर, बहुत अच्छा। यस सर, रिपोर्टिंग लेवल पे बहुत अच्छा। है ना? सो दिस इज वेरी नाइस। आप लोगों को लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, एक बार वीडियो देखिएगा, जितनी टूल्स आज सिखाए हैं, क्योंकि मैं बहुत यस सर। 7,000 बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, राइट। मैं ये जानता हूँ कि अभी शुरू शुरू में आपको सब आसान लगेगा, जैसे ही मैं पांचवें छठे लेक्चर्स पे जाऊंगा पीछे का आप भूलना शुरू कर देंगे, तो एक रिवीजन बहुत जरूरी है। सो क्लास के बाद रिवाइज करिए, अगले क्लास में डाउट पूछिए। मैं यहाँ पर रुकूंगा, आप लोग को और किसी को कुछ पूछना है स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करिए। आप लोग ना एक लॉगिन उससे रखिए, जो लैपटॉप वाला लॉगिन है, वॉइस अपना म्यूट करके रखिए, तो आप लोगों के जब डाउट आते हैं ना मैं जल्दी हैंडल कर सकता हूँ, शेयर करके देख लेंगे हम। उमा आप कोशिश करिए, कल आप नहीं हो लेकिन जिस दिन भी आप आओ कोशिश करो लॉग इन करके सुबह 5 मिनट पहले, तो आपके जो भी दो चार डाउट्स है ना मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा, राइट सर। राइट, बट आई नीड टू सी द स्क्रीन गाइज, उसके बगैर देखिए रिमोट क्लासेस में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, चले आगे बढ़े, अपने अपने काम करें आज। सर। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। थैंक यू, या थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।